दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू वड़ी। तो इसे बनाने के लिए क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये स्टीम आलू वड़ी है, तो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आलू वड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अरबी के पत्ते लिए हैं और इसे मैंने अच्छे से 2 से 3 बार धो लिया है पानी से। इसके बाद इसके जो नसे होती है, रेसे होते हैं, जो बड़े होते हैं, तो इसे हम निकाल लेंगे ताकि ये खाते टाइम मुंह में ना आए। तो इस तरह से सारे पत्तों को मैंने कट कर लिया है और जो बड़े पत्ते होते हैं उसके साइड पर भी इस तरह से मोटे रेसे होते हैं, तो उसे भी इस तरह से अच्छी धारी वाली चाकू से निकाल लेंगे। ध्यान रखिए हाथों पे ना लगे, इस तरह से हमें निकालना है इसे। तो इस तरह से हम सारे रेसे को निकाल लेंगे। अब एक टिप्स ध्यान में रखनी है कि जब भी हम बनाने वाले हैं आलू वड़ी, तब हम इस तरह से पट्टे को सेट करके रख देंगे ताकि जब हम बनाएंगे तब हम तुरंत इसे बना पाए। तो मैं यहाँ पे 4 से 5 पट्टे ले रही हूँ। इसके बाद हम इडली का कुकर लेंगे और इसमें हम पानी डाल लेंगे। ये जो पानी है वो हमें मिनरल वाटर ही यूज़ करना है। और इसमें हम नींबू डाल देंगे। नींबू डालने से ये जो हमारा बर्तन है वो काला नहीं होता है। एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें हम बेसन को छान लेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस में बेसन को छानना बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, तो ये टिप्स ध्यान रखिए कि जब भी आप बैटर बना रहे हो तो बेसन का यूज़ कर रहे हो तो बेसन को छान के ले। तो 2 कप यहाँ पे हमने बेसन लिया है। इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सिसमी सीड मतलब कि तिल ले रही हूँ 1 टीस्पून जितने। तिल से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऊपर से हम धनिया जीरा पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे। सारे मसाले इसमें ही हम ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला। ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो आप 1 टीस्पून जितना यहाँ पे लाल मिर्च डाल सकते हो। मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून जितनी लाल मिर्च डाल रही हूँ। अकॉर्डिंग योर टेस्ट आप इसमें नमक डालें तो 1 टीस्पून नमक डाला है और 1 टीस्पून अदरक लहसुन एंड मिर्ची की पेस्ट। तो ये सभी चीज़ें आप अकॉर्डिंग योर टेस्ट डाल सकते हो। ऑयल डाला है मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून और 3/4 कप मैंने यहाँ पे इमली और गुड़ का पानी डाला है। ये एकदम ऑप्शनल है। अगर आप इमली और गुड़ का खाना पसंद करते हो तो उसका पानी डाल सकते हो। अगर नहीं पसंद करते हो तो आप इसमें डाल सकते हो नींबू और चीनी। ऑप्शनल है इमली और गुड़ की चटनी। तो इमली और गुड़ को मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था, उसके बाद इसका पल्प निकाल लिया और उसके बाद इसमें यूज़ किया है। पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, सांच में पानी हमें नहीं डालना है। इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून जितनी हींग। हींग बहुत ही अच्छी रहती है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए इसे आप स्किप मत करिए। जब भी आप बेसन की कोई भी चीज़ बना रहे हो तो इसमें हींग जरूर से डालें ताकि डाइजेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना हो। चाट मसाला डालेंगे 1/4 टीस्पून जितना। तो आप देख सकते हो हमारा जो बैटर है कुछ इस तरह से बनना चाहिए। एल्यूमिनियम की प्लेट लेंगे, इसके ऊपर ऑयल ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारे जो पट्टे हम रखें वो चिपके ना। अब हमने जो पट्टे की गड्डी बना के रखी थी वो हम निकाल लेंगे और उसे सेट कर लेंगे उल्टा करके। दूसरी टिप्स ये है कि हम जो पट्टा ले रहे हैं उसे उल्टा ही रखेंगे। उल्टा इस तरह से रखेंगे जब बड़ा जो पत्ता है उसे पहले लेंगे और बड़े से हम छोटे तक जाएंगे। तो बड़ा पत्ता है वो हमने फर्स्ट ले लिया है और ये जो बेसन का गोल है उसे हमें परफेक्टली लगाना है। कोई भी जगह हमारी खाली ना रहनी चाहिए। तो वीडियो में देख रहे हो इसी हिसाब से आपको बेसन का घोल इसके पट्टे पर लगाना है। और दूसरा जो पट्टा है वो हमें सीधा नहीं रखना है, दूसरा पट्टा है उसे हमें उल्टा रखना है। मतलब उल्टा पट्टा आपको मैं दिखाती हूँ। ये जो पट्टा है उसे हमें इस तरह से उल्टा करके फिर इस तरह से रखना है। इसके ऊपर सीधा नहीं रखना है, उसके ऊपर उल्टा रखना है ताकि जब फोल्डिंग करते टाइम हमें मुश्किली ना हो और हमारा जो स्टफ हमने जो ये बेसन का घोल डाला है वो निकले ना। हमें
इतनी बात ध्यान रखनी है कि हम जो भी पत्ता ले रहे हैं उसे सीधा नहीं रखना है, उल्टा रखना है। उल्टा रखने से क्या होता है कि हम जो पेस्ट लगा रहे हैं वो अच्छे से लगती है, सीधा जो पत्ता होता है वो चमकीला पार्ट होता है, तो वहाँ पे अगर आप ये बेसन लगाओगे तो वो सरक जाता है। तो इसके लिए ही हम इस पट्टे को उल्टा रखेंगे। 4 से 5 पट्टे आप एक गड्डी में रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 5 पत्ते ले रही हूँ, छोटे वाले 2 हैं और 3 मीडियम साइज़ के हैं। तो आप इसी हिसाब से गड्डी सेट करें कि उसमें 2 पट्टे छोटे हो, 2 पत्ते बड़े हो, मीडियम साइज़ का एक पट्टा हो, इसी हिसाब से आप सेट करें। अब क्या करेंगे, हम साइड के इस पार्ट को इस तरह से डैप कर लेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे ताकि ये कच्चा इसमें पेस्ट ना हो, ऐसा ना रहे। और इसे हम तब तक फोल्ड करेंगे जब तक हमारा फर्स्ट जो पट्टा है वहाँ तक थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर भी थोड़ा सा लगा लेंगे बेसन की पेस्ट। और अब हम करेंगे एकदम हार जोर से, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा जोर लगा के यहाँ पे इसे फोल्ड करना है ताकि इसमें थोड़ा भी हवा ना जाए। तो इसी हिसाब से थोड़े से जोर लगा के इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद लास्ट की जो किनारी बचती है उसे भी हम थोड़ा सा बेसन लगा के इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमें सब राउंड बना लेने हैं। एल्यूमिनियम की प्लेट जो हमने ग्रीस करके रखी है उसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। सारे पट्टे को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इसे हम स्टीम करेंगे लगभग 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट में आपको ये ध्यान रखना है कि 5 मिनट आपको गैस की फ्लेम को हाई रखना है, उसके बाद 15 मिनट आपको गैस की फ्लेम को एकदम स्लो रखना है और फिर आपको इसे पकाना है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो अलूवड़ी है वो पट्टे बहुत ही अच्छे से साफ़, ये टूथपिक निकल रही है, मतलब बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। सारे पट्टे हमारे बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। तो इसे हमें ठंडा कर लेंगे, इसके बाद हम कट करेंगे। अगर आप गरम गरम इसे कट कर रहे हो तो ये अच्छे से कट नहीं होंगे, इसी वजह से आपको इसे 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है और ठंडा हो जाए उसके बाद ही कट करना है। पहले हम साइड की किनारी को इस तरह से निकाल देंगे, इसके बाद हम इसे कट करेंगे। तब जाके क्या होगा, हमारे जो आलू बड़ी है उसका शेप परफेक्ट आएगा। तो हमारी आलू बड़ी बन के रेडी है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, इसे फ्राई करके भी खा सकते हो, इसे इस तरह से स्टीम करके भी खा सकते हो, इसे तड़का लगा के भी खा सकते हो। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बनी है ये आलू बड़ी, बहुत ही राउंड शेप में और बहुत ही परफेक्ट बनी है। तो इसी तरह से हम सारे पट्टे को आलू बड़ी को कट कर लेंगे। साइड के किनारे को हम कट करेंगे क्योंकि उससे क्या होता है कि अच्छे से शेप नहीं आता है। तो साइड की किनारी को कट करके हम सारे आलू बड़ी को कट कर लेंगे। मैं यहाँ पे स्टीम आलू बड़ी बनाने वाली हूँ, तो ये स्टीम आलू बड़ी हमारी रेडी है। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा तड़का करूँगी, तो थोड़ा सा ऑयल लगा के ऑयल में तड़का लगा के इसे मैं तड़का करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून जितना ही ऑयल लिया है और इसमें हम सरसों के दाने डालेंगे। ये ऑयल जब गर्म हो जाए उसके बाद ही हमें सरसों के दाने इसमें डालने हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, 2 टीस्पून जितनी हम सरसों डाल देंगे इसमें। सरसों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसी वजह से मैं ज़्यादा ही डालती हूँ। और इसमें भी हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे तड़के में भी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बड़ी सौंफ, ये ऑप्शनल है, अगर आपको खाना पसंद है तो आप डाल सकते हो, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ बड़ी सौंफ थोड़ी सी। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, तो इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है हरी मिर्ची को। और करी लीव्स डाल देंगे थोड़ी सी मेरे पास स्प्रिंग ओनियन थी वो डाल देंगे, और तिल डाल देंगे थोड़े से, सफ़ेद तिल और ब्लैक तिल दोनों का यूज़ कर रही हूँ, जिससे इसका टेस्ट और इसका जो लुक है बहुत ही अच्छा आए। तो ब्लैक तिल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हो। इसे हम थोड़ी देर पका लेंगे ताकि इसमें सारा जो हमने डाला है उसका कच्चापन निकल जाए। और फिर हम गैस को बंद कर देंगे और हमारे जो स्टीम आलू बड़ी है उसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, अगर आप कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना पसंद करते हो तो इस रेसिपी को बनाना बनता है। अगर आप आपको
ऑयल वाला खाना पसंद है तो आप इसे फ्राई करके भी खा सकते हो। फ्राई करके ये आपको 2 से 3 दिन तक आप इसे फ्रीज में भी रख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग रहता है, ख़राब नहीं होता है। थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन और धनिया की पट्टी से इसे गार्निशिंग कर देंगे तो बहुत ही अच्छे आलू वड़ी बन के रेडी हुई है, आप देख सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी मन करेगा, इस आलू वड़ी को बनाना बहुत ही इजी है, तो आप ज़रूर से इसे बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरी इस चैनल को। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।